जय हिंद। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि साइंस जोन गढ़वा इस चैनल के माध्यम से सभी यूपीएससी एस्पिरेंट वाले स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा होने वाला है, और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा फ्री में पूरे मटेरियल को देने के प्रयास करेंगे। उसमें से अभी जो 2024 वाले जो जिन बच्चे के टारगेट हैं, इन बच्चों का एक बहुत बड़ा डिमांड है, उस डिमांड को लेकर मैं आ गया हूँ। और अब इस चैनल के माध्यम से मेरे साथ जुड़कर मेरे साथ पढ़ाई करेंगे। मैं आपको पढ़ाने के नाते नहीं बल्कि पढ़ने के नाते मेरे साथ जुड़कर मेरे साथ साथ पढ़ाई करेंगे, जिसे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ बताते हैं कि पढ़ाई जो करने की जो तरीके हैं वो आप कैसे करेंगे। अभी जो बच्चे हैं, जो बिगनर हैं, जो एकदम जीरो लेवल पर हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, यूपीएससी का स्टूडेंट और यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं मालूम है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, आप पढ़ाई करने की चार तरीका मेरे से ले लीजिए। चार तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तरीका नंबर वन है कि आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले कि आप कोर्स जो खरीदेंगे, या तो आप ऑनलाइन या तो आप ऑफलाइन, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन बैच से तैयारी करते हैं या फिर ऑफलाइन से। अगर ऑफलाइन से करनी होगी तो आप एक अच्छे बेस्ट प्लेटफार्म जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यूपीएससी का तैयारी कराया जाता है, आप वहाँ जाकर आप कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप एक अच्छे जो बहुत अच्छा जो प्लेटफार्म है उसकी कोर्स लेकर आप घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। अब इसमें हम आपको ये नहीं बता सकते हैं कि आप किन के कोर्स को खरीदें और किन टीचरों से पढ़ें, ठीक है। तो आप ये दो तरीके से कर सकते हैं। अब जिन स्टूडेंट अगर ऑनलाइन कर लेते हैं, ऑनलाइन बैच खरीद लेते हैं, उन स्टूडेंट के साथ दिक्कत क्या होती है कि ऑनलाइन से जो पढ़ते हैं तो उनके पास समस्या होती है कि हम तैयारी कैसे करें। एक तो क्लास लाइव हम करें या फिर हम रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से करें। अब ये भी चीज़ बता देते हैं कि ये डिपेंड करेगा आप पर कि आप रिकॉर्डेड वीडियो से करें या फिर लाइव लेकर करें। अगर आपके पास टाइम है तो लाइव से ही जुड़ें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो रिकॉर्डेड ही वीडियो को आप पढ़ें। चलिए, ये तो बात हुई जो बच्चे परचेज कर सकते हैं। अब उन बच्चे से बात करते हैं जो स्टूडेंट बैच नहीं खरीद सकते हैं, कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, जो स्टूडेंट कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, उन स्टूडेंट क्या करें। तो उन स्टूडेंट चाहते हैं कि हम फ्री में यूपीएससी का हम करें, और उन स्टूडेंट के पास कोई गाइडलाइंस नहीं होती है और कोई मटेरियल नहीं होती है यूपीएससी का, तो उन स्टूडेंट के लिए ही हम एक अच्छा प्लेटफार्म बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट के पास यूपीएससी का कोई मटेरियल नहीं है, कोई बैच परचेज नहीं कर पा रहे हैं, पैसा नहीं है, नहीं करने का मतलब क्षमता है, वैसे स्टूडेंट के लिए हम फ्री देने का प्रयास करेंगे और पूरा गाइड करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़ें और यूपीएससी का तैयारी मेरे साथ साथ करें, और इसकी सफर में जहाँ तक हो सकता है हम आपको मदद करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों को ये चीज़ बता दें कि देखिए, यूपीएससी का ना सबसे पहले आप सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप यूपीएससी का सिलेबस अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तब आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर सिलेबस नहीं मालूम है तो आपको दिक्कत ये होगी कि आप नहीं जान पाएंगे कि हमें क्या पढ़नी है। सिलेबस जानेंगे तो आपके पास ये मालूम चलेगा कि मेरे को पढ़ना क्या है, तो ये चीज़ आप पढ़ लेंगे। जिनके पास सिलेबस नहीं मालूम है, सिलेबस नहीं पता है, उस स्टूडेंट सिलेबस को पाने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप SMS करें और मैं आपको पूरा सिलेबस देने का प्रयास करेंगे और सिलेबस के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमें यूपीएससी का कैसे समझें। तो देखिए, यूपीएससी का जो है बच्चे, वो आपके तीन स्टेज होते हैं, तीन फेस को सामना करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपके एग्ज़ाम होगा प्री का, फिर उसके बाद होते हैं मेंस का, उसके बाद होते हैं इंटरव्यू। चलिए, इन तीन चरणों से आपको गुजरना होगा तब जाके आपकी यूपीएससी कंप्लीट होंगी। तो प्री का जो होते हैं बच्चे, प्री का जो पेपर होते हैं, इसको आपको पास करने होंगे तभी आप मेंस में देंगे।
उसके बाद ही आपके इंटरव्यू में कराए जाएंगे। तो ये सब हम सारा चीज़ पीडीएफ के रूप में सारा चीज़ बता दिए हैं, आप पढ़ें, हमारे ग्रुप से जुड़ें, ग्रुप में सारा चीज़ बताया गया है, सारा चीज़ ए टू जेड उसमें आपका इन्फॉर्मेशन डाल दिया गया है, सिलेबस भी अपलोड कर दिया गया है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड है, टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं और आप यूपीएससी ग्रुप में भी, आप फ्री मटेरियल वाले यूपीएससी ग्रुप में भी जुड़ जाएं। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे यूपीएससी में पहला जो कदम उठाएंगे वो है प्री का पेपर, और सबसे पहले आपको प्री को पास करना होगा। तो देखें बच्चे, आपको प्री में आपको सबसे पहले ये समझेंगे कि मेरा जो पेपर है वो प्री का जो पेपर है वो, हमारा पेपर दो होते हैं बच्चे, एक होते हैं जीके जीएस का और एक पेपर होता है बच्चे आप सी सेट का। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, दो पेपर आपको कंप्लीट रूप से रेडी करनी होगी, तैयारी करना होगा, जीके जीएस सी सेट। अगर आप पूरे जान जीव लगा देते हैं प्री पेपर को पास करने में तो आप मेंस में पहुंच जाएंगे, अगर इसमें अगर पास होते हैं तो इसका भी जानकारी आपको अलग से बता दिया गया है। प्री में कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर का होते हैं, कितने नंबर लाने होते हैं, कितने में पासिंग होता है, कौन कौन हमें पढ़नी होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखें सभी बच्चे, अगर आप इस चीज़ को अगर नहीं मालूम है तो आप ग्रुप में ज्वाइन कर लें या पर्सनली हमारे जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप SMS करके पूछ लें। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे हम प्री पेपर को लेकर। इस प्री पेपर में सबसे पहले आपको पढ़ने से पहले आपको बता दें कि आपका जो टारगेट है बच्चे, अगर जिन बच्चे 2024 में अटैम्प्ट देने वाले हैं और 2025 में, तो जो 2024 वाले बच्चे के प्री का पेपर जो होने वाले हैं वो जून में होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो अभी आपके पास जो टाइम है वो बहुत कम है, और जो बच्चे 25 के टारगेट लेकर चल रहे हैं उनके पास अभी तो टाइम ही टाइम है। तो जून वाले बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए और 2025 वाले की बच्चे के भी फ़ायदा हो जाए और 24 वाले को भी फ़ायदा हो जाए, ऐसे हम लोग बनाकर चलने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए प्री में पास होनी है तो प्री पेपर के हम लेकर आ गए हैं बच्चों पी वाई क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं प्रीलिम्स पेपर का। और इस प्रीलिम्स पेपर का बताते हैं कि इसमें हम आपको बताएंगे जीके जीएस आपके पूछे गए 11 वर्षों में जीके जीएस का, इसमें आपको बताएंगे क्या यूपीएससी पूछा है 11 वर्षों में। उसके बाद हम सी सेट पेपर को देखेंगे। तो आप 2024 वाले भी स्टूडेंट का फ़ायदा हो जाएगा और 2025 वाले स्टूडेंट का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं लेकर चलता हूँ प्री पेपर को कराने, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके काम आ जाएंगे वो आप पेपर देखेंगे PYQ क्वेश्चन 11 वर्षों में जो UPSC पूछे गए हैं उसकी मैं कराने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहें, मैं UPSC वाले, चाहे आप बड़े भैया मान लीजिए या छोटे भैया मान लीजिए, हम आपके सिर्फ और सिर्फ आपको मदद करने, हेल्प करने आया हूँ। हम आपके साथ पढ़ाई करेंगे, आप मेरे साथ पढ़ाई कीजिए, जो भी डाउट होगा बेझिझक आप मेरे पास इस नंबर पर SMS कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को अवश्य सोल्यूशन करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ले चलते हैं इस पेपर को बताने कि इस पेपर में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि हमारे पास कौन कौन से विषय और कौन कौन से हमारे चैप्टर इसमें हम रिकवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट की बात करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें होंगे, तो इस पर हम चलते हैं। और इस लॉन्ग वीडियो हो जाने के कारण हम इस टॉपिक को नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, और हम उसमें करने वाले हैं UPSC का पूरा चैप्टर को रिकवर, और उस चैप्टर में देखेंगे A to Z सारा चीज कि कैसा क्वेश्चन है। तो आप लोग सेकेंड पार्ट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, और कमेंट में ये कमेंट जरूर करें कि कितने बच्चे सीरियसली हैं इस बार पेपर देने के लिए, उस हिसाब से मैं और बेहतर करा पाऊँ और हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।